हाय फ्रेंड, नमस्ते अनी, कैसे हो? वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ साउथ कोरिया में आज धूप नहीं निकली है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हम आए हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉपिंग करने, और आपको दिखाते हैं क्योंकि फूल तो नहीं दिखा सकते हैं, अभी दिखा रहे हैं। इतनी सारी वेजिटेबल्स हमने ले लिया है, ये देखो पूरा जैकेट वगैरह पहने हैं, साथ में पर्स है। और ये देखो इतना सारा फ्रूट्स हैं, सब्जी भरे हुए हैं। अभी दूसरी वाली शॉप पे आ गए हैं। हो गई है वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की भी। तो ये देखो हम थक गए हैं, बहुत ज़्यादा सामान है ये भर के, तो ऐसे कंधे पे लेके जा रहे हैं। पास में ही होम प्लस है, तो अभी जा रहे हैं होम प्लस में शॉपिंग करने। होम प्लस में क्या होता है कि मॉल है, जैसे अपने यहाँ है कि लोकल शॉप में चीप मिलते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और मॉल वगैरह मिले तो एक्सपेंसिव रहते हैं। तो सेम यहाँ भी है, यहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है मॉल और लोकल शॉप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अभी हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना है, तो अभी हम होम प्लस जा रहे हैं लेने। बस रात की सांस मिली क्योंकि ट्रॉली में बैग वगैरह डाल लिए हैं, तो और यहाँ उतनी ठंडी भी नहीं है ना, इसलिए भी। ये देखो क्रिसमस का डेकोरेशन इतने अच्छे से हुआ है। और इधर ये देखो बेकरी, अभी चारों तरफ क्रिसमस का ही दिख रहा है। मुझे लेना है फ्रूट्स, तो अभी मैं जा रही हूँ उधर। ये क्या है? ये देखो यहाँ पे, ये हमारे यहाँ जो भूजा बोलते हैं उसकी कितनी सारी वैरायटीज हैं। पॉपकॉर्न नहीं है, ये कुछ और है, ये पॉपकॉर्न ही है जो हमारे यहाँ घूम के मिलता है, वही है। और आगे फ्रूट्स वाले सेक्शन में हमें फ्रूट्स ही चाहिए था, हमें लेना है पॉमीग्रेनेट एंड स्ट्रॉबेरी। ये देखो ड्रैगन फ्रूट्स, कीवी, एवोकाडो, फ्रूट्स ही दिख रहा है। ये रहे मैंगो, कलरफुल टमाटर, इसे सारा मिक्स है, ग्रेप्स सा दिख रहा है और ये ब्लैक सा भी है। टमाटो बहुत सारी वैरायटीज में आते हैं यहाँ पे। स्ट्रॉबेरी 9,900। ये देखो पालक को कैसे फैला के रखे हैं धुल के। और इधर भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। हे भगवान, आपको दिखाते हैं डिफरेंस। ये देखो 4,800 के एक है। इतना बड़ा सा कद्दू है 4,890, मतलब 350 रुपये का एक सा कद्दू। और ये देखिए लोकल शॉप में 1,000 का एक है, और वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और एक लेना है स्ट्रॉबेरी। ये रहा ऑरेंज भी हमें लेना है, तो सोच रहे 4 kg ले लें। जी 10,000 का था, मतलब 700 रुपये किलो का। 4 किलो एक बॉक्स ले लिए हैं, अभी जा रहे हैं बिलिंग कराने। और इधर देखो ये पूरा ड्राई स्वीट पोटैटो, पोटैटो और ये गेहूँ जो हमारे यहाँ होता है सबका मिल रहा है। देखो बीट रूट का भी, भगवान क्या क्या खाते हैं लोग, कैरेट, सब कुछ मिल रहा है। और क्यूक्यूम्बर, कैरेट, बीटरूट और ये कद्दू। हे भगवान, यहाँ पे दिख रहा है पोटैटो चिप्स भी ले लेते हैं, खाएंगे चाय के साथ। ये रहा। और इधर देखो
बेकर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, कम टाइम इन द सेंस कि हमें जल्दी घर जाना है, तो अभी जल्दी जल्दी से ये सब लेके जा रहे हैं बिलिंग कराने और घर। तो देखो यहाँ पे केक लगे हुए हैं, क्यूट लग रहा है, हम इसको लेके जा रहे हैं। ये माय हस्बैंड वाला टैडी मिल गया बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि लास्ट पीस बचा था और एक तो अड़ोसी आंटी थी उन्होंने तो मना ही कर दिया, फिर दूसरे से बोला तो फिर डिस्कस करके बेचारी बिलिंग करवा रहे थे, उसके बाद वो लोग आए और फिर दे दिए। अभी हम अतर सिंह के लिए ये लेके जा रही हैं। बेचारी आई, पता नहीं किससे डिस्कस वगैरह की, उसके बाद फिर हमें ये वाला टैडी मिल गया। वाह, ये हम घर और बना रहे हैं। ये चले गए बेचारे ऑफिस जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट हो गया था, हम लोग बज गए थे 12 आने में। और अभी हम बना रहे हैं अतर सिंह के लिए दलिया। हम लोग तो लंच कर चुके हैं, हमारे घर की लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, वीडियोज अच्छी नहीं आती, कितना ब्लैक ब्लैक से आ रहा है, इतना ब्लैक तो है नहीं। अतर सिंह के लिए बना रहे हैं अभी दलिया, और मेरा पूरा घर ऐसे फैला हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको मेरा घर कैसे फैला हुआ है, मुझे अभी पूरा काम करना, अभी 12:30 बज रहे हैं यहाँ पे। ये देखो पीछे किचन कैसे फैला हुआ है, इधर हमारी दलिया बन रही है, दलिया बना रहे हैं। तो देखो जो भी वेजिटेबल्स है आप कट कर सकते हो, और दलिया को पहले से सोख करके रख लिया है, तो जब मूंग दाल और दलिया हेल्दी भी रहता है, अच्छा भी रहता है बच्चों के लिए। डाल दिया है, अभी सीटी लगा देंगे, हो जाएगा। आपके बच्चों जैसे भी मसाला खाना पसंद करता हो वैसे आप डाल सकते हो, जैसे हल्दी नमक तो पड़ेगा ही, और धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सब आप डाल सकते हो इसमें। जो बच्चे रोटी नहीं पसंद करते उनके लिए स्पेशली ये दलिया। और अपना घर अभी दिखाते हैं कैसे फैला हुआ है। देखो इधर ये नारियल फोड़े थे सुबह सुबह, कैसे फैला हुआ है। और ये हम लोग लंच किए हैं वाले बर्तन हैं, और इधर ये नारियल रखा हुआ है, नारियल को फ्रोजन करना है, क्योंकि इतना सारा नारियल हम लोग तो खा नहीं पाएंगे दो लोग, तो क्या करते हैं हम लोग एक साथ मंगवा लेते हैं, उसके बाद फ्रोजन कर दो। जब भी आपको चटनी वगैरह बनाना है डोसे वगैरह के लिए, तो आप चटनी बना सकते हो कभी भी निकाल के, थोड़ा टाइम रख दो। और ये देखो पत्थर के लिए जूस बना था तो ये फैला हुआ है, वेट ये बन रही है थपसिंग की दलिया। और सुबह बनाए थे टोस्ट, अरे सैंडविच, तो ये निकाले हैं टोस्टर। और इधर देखो अतर सिंह के टॉयज, और इतने सारे ऑरेंज लेके आए थे वो सब पड़े हुए हैं। अतर सिंह के कपड़े भी इधर उधर पड़े हैं, ब्रेकफास्ट किए थे, बर्तन पड़े हुए। मेरा घर देख के सब कहेंगे कितना गंदा, क्या करें, डेली करो डेली वही हो जाता है। और ये देखो अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो शॉपिंग करके भी सुबह सुबह गए थे लाए थे, अभी वो रखने हैं। और इधर हम लोग के जैकेट वगैरह पड़े हुए हैं, वो सही करना है मुझे। और ये देखो अतर सिंह के टॉयज पड़े हुए हैं, वो सही करना, कपड़े मुझे रखने हैं। हाँ, और ये देखो अतर सिंह जो भी फैला सकते थे थोड़ा बहुत फैलाएं, क्योंकि ज़्यादातर इनके टॉयज बाहर ही हैं। और ये रहे हमारे हनुमान जी, अतर सिंह को देखो सारी गाड़ी क्रेन में उठाए हैं, कैसे, रुक जाओ बाबू, ये देखो वेट वेट मम्मा आ रही वेट। और ये देखो सारे कपड़े इधर उधर पड़े हैं, और कपड़े डाले मशीन में धुलने के लिए। इधर अतर सिंह के इतने कपड़े सूख रहे हैं, अंदर सूख जाते हैं, अभी धूप निकली है बट बाहर उतना अच्छे से नहीं सूखता। अतर हेल्प किए हैं मम्मा की। और ये देखो हमारा बेड भी ऐसे पड़ा हुआ है, साफ करना है। मतलब कद्दू आपने कभी देखा है? हमने तो यहाँ पे ही देखा है, साउथ कोरिया में ही फर्स्ट टाइम। और ये पता है ये कद्दू है 60 रुपीज़ का, इंडियन रुपीज़ मतलब 60 रुपये का है, कोरियन वन में बोलें तो 1000 कोरियन वन मतलब $1 का इतू सा कद्दू। टुम टुम, नारियल को अच्छे से रख दिया है फ्रोजन करने के लिए, अब इसे अच्छे से कवर कर देंगे बंद करके और फ्रीजर में डाल देंगे। उसके बाद इसे आप आराम से 5-6 महीने जब भी आपको चटनी वगैरह बनानी है पहले से निकाल लो और चटनी वगैरह बना लो, टेस्ट वही आता है सेम ही। अभी हो गए हैं दिन के 3:30, अतर सिंह को सुला दिए हैं और घर का काम ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब पूरा टाइम चला जाता है फिर भी घर क्लीन नहीं होता है। ये देखो मेरा किचन साफ ही कर दिए हैं ऑलमोस्ट, और ये रहा घर, घर भी क्लीन हो गया है बट टॉयज नहीं सही से किए हैं, क्योंकि अतर सिंह उठेंगे फिर से अपना इधर उधर करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो है अतर सिंह के टॉयज नहीं रखे हैं,
3:30 वैसे बज गए थे, उसके बाद अभी 4 बज जाएंगे सब कुछ करने में। बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है, और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, मतलब वेदर अच्छा है बाहर। तो अगर आप घर से देख के निकलोगे वो ऐसे, तो फिर बाहर तो ठंडी रहती है, तो इसलिए टेम्परेचर देख के निकलना पड़ता है। धूप तो है बट बाहर ठंड तो होगी, बट घर में तो सही है, हीटर वगैरह चलाए हैं। ये देखो मतलब कैसे टॉयज फैलाए हैं, तो सारा टॉयज मैट पे रख के अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लिया, तो घर भी साफ़ हो गया है। सोफे वगैरह से भी टॉयज हटा दिए हैं, अदर थिंग के कपड़े पड़े हैं ये फोल्ड करने, क्योंकि अभी कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, तो वो भी साथ में फिर फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बैठ जाए आराम से। और हम लोग का कपड़ा भी मशीन में धुल ही रहे हैं, तो वो डालना होगा, तो अदर का कपड़े निकालेंगे। ऐसे टाइम निकल जाता है, पूरा टाइम पता ही नहीं चलता है, काम करते रहो करते रहो, बस ऐसे चलती है ज़िंदगी। चाय जलने के बाद दूसरी वाली चाय ना गुड्डू, चाय और पापड़ रेडी है, आर्थर सिंह का दूध और टोस्ट। यम्मी यम्मी सा ना, ये कैसी गुस्सा डांट डांट दादू, किसको डांट रहे थे दादू? दादी, दादी डांट रहे थे ये क्या? ये प्रभु तेज से बोलो, ये क्या? आज कोरिया में आया हुआ है तूफान, बहुत तेज है, तो आवाज आप सुन सकते हो, बहुत तेज हवा चल रही है कि बाहर। कौन रोटी बना रहा भाई? हाथ। हाथ बनाए हो? किसका हाथ बनाए हो? ये क्या कर रहे हो अथर्व? और तुम्हारे पास बदतमीजी बनाए रोटी राइस और ये सब्जी बेसन की। ये देखो अथर्व वाले में अच्छे से दिखेगा, जैसे लट्टू झार के बनाते हैं हमारे यहाँ वैसे वाला ही। और ये BMW चला रही है। हाँ, कहाँ जा रही डक? बुसान जा रही है। फोन से पूछ रही है तुमसे? कान के पूछ रही। क्या पूछ रही है? बुसान। बुसान कहाँ है? पूछ रही है। ओ साइट अंकल। ओ अंकल